अगर फ्रेंड्स आपके पास है रियलमी का GT2, इस फोन में फ्रेंड्स आपको रिंगटोन सेटिंग करना है तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इस फोन में आप रिंगटोन सेटिंग को कर सकते हैं। रिंगटोन सेटिंग करने के लिए फ्रेंड्स आपको जाना होता है फोन की सेटिंग में, और यहाँ पे आपको एक चीज के बारे में और बता दूं, जैसे कि आपने इस फोन में कोई गाना वगैरह डाउनलोड करके रखा हुआ या फिर कोई रिंगटोन डाउनलोड करके रखी हुई जिसको आप फाइल से सेट करना चाहते हैं अपने रिंगटोन के लिए, तो वो कैसे कर सकते हैं आप, ये भी इसी वीडियो में आपको पता चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फोन की सेटिंग में जाइए, यहाँ से इस तरह से इसको स्क्रॉल कीजिए, साउंड एंड वाइब्रेशन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ आपको वॉल्यूम्स के कंट्रोल देखने को मिलेंगे, जैसे कि मीडिया वॉल्यूम है आपका कितना रखना है उसको सेट कर पाएंगे, रिंगटोन वॉल्यूम कितना आप सेट करना चाहते हैं यहाँ क्लिक करके उसको सेट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से नोटिफिकेशन एंड अलार्म का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो कौन सा कितना रखना है यहाँ आके आप उसको सेट कर पाएंगे। अब रिंगटोन चेंज करने के लिए सिंपली आपको रिंगटोन पर क्लिक करना होगा, यहाँ पे आपके फोन में जो भी रिंगटोन रहेंगी वो आपको देखने को मिल जाती है, तो एक एक करके इनमें से प्ले करके देख सकती हैं जो भी अच्छा लगे यहाँ से आप उसको सेट कर पाएंगे। अगर यही रिंगटोन आपको सिम वन या फिर टू की फाइल से सेट करनी है तो सिम वन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, तो सिम वन की सेलेक्ट करने के लिए फाइल से आपको सेलेक्ट फ्रॉम फाइल पर क्लिक करना होगा, तो आपके फोन में जो भी गाने वगैरह होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए आपको ये वाला गाना सेट करना है तो इस पर क्लिक कीजिए तो आपको सेट हो जाएगा, नहीं तो आप उसको सर्च करके भी अपने गाने या रिंगटोन के लिए आप सर्च कर पाएंगे, उसको सर्च करके इस तरह से क्लिक कर दीजिए तो आपको क्या करना है यहाँ से वापस आ जाना है, तो आपकी ये फाइल से सेट हो जाती है। सेम इसी तरीके से सिम टू की आप रिंगटोन चेंज कर सकते हैं, सिम वन और टू की दोनों ही सेम रिंगटोन लगाना चाहते हैं तो यहाँ से इस फीचर को इनेबल कर दीजिए, तो सिम वन और टू की दोनों ही रिंगटोन आपकी सेम हो जाती हैं। तो इस तरह से आप रिंगटोन की यहाँ पर सेटिंग को कर सकते हैं। अगर आपके फोन पर कॉल आता है, कॉल आते समय आपका फोन वाइब्रेट नहीं हो रहा है तो यहाँ आके इस वाले फीचर को इनेबल कराइए तो आपका फोन वाइब्रेट भी होना शुरू हो जाएगा। आपको हैप्टिक एंड टून्स का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके जो अदर साउंड की सेटिंग रहती है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि डायल पैड की टून बंद करना तो यहाँ क्लिक करके बंद कर पाएंगे, लॉक स्क्रीन की बंद करना है तो वो भी बंद कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट साउंड है, डिलीट है, फिंगरप्रिंट और आपकी टच स्क्रीन, तो इस तरह से यहाँ पे आप बंद को चालू कर सकते हैं।